मॉन जीमेट प्लेटफॉर्म बच्चों सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सभी बच्चे आ जाइए, हम लोग अपने धुआंधार सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन का कलेक्शन यहाँ पे होता है ना बेटा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। यहाँ पे बायोलॉजी एज वेल एज आपके केमिस्ट्री दोनों के बिल्कुल अपडेटेड क्वेश्चन सॉल्व करवाए जा रहे हैं। तो सभी बच्चे जुड़िए और हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपने सेशन को। ये हमारा प्लेटफॉर्म है, जीमेट है, जिससे आप हमसे जुड़े हुए हैं और हम आपसे जुड़े हुए हैं ALP के लिए। ठीक है बेटा, ये कोई भी दिक्कत परेशानी समस्या है तो ये नंबर्स पे आप बिल्कुल कॉल कर सकते हैं। ये आपका जीमेट लोको पायलट टेक्नीशियन की तैयारी के लिए है। और आप कैसे डाउनलोड करेंगे, तो जैसे ही आप गूगल प्ले स्टोर पर बेटा जीमेट डालेंगे तो आपको डाउनलोडिंग का ऑप्शन आएगा और आफ्टर दैट आप अपना नंबर ऐड करके इस तरह से आपको कुछ होम पेज खुल के आएगा, है ना। तो आप जिस भी कोर्स के लिए चाह रहे हैं तैयारी करना, बिल्कुल आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, पेमेंट के भी कई ऑप्शन है, CBT 1, CBT 2 एज वेल एज सारे आपके ट्रेड थ्योरी करवाई जाती हैं। ठीक है, सारे ऑप्शंस हैं आपके पास, PDF है, रिकॉर्डेड वीडियो है, सारी चीज़ें आपको उपलब्ध कराई जा रही हैं, है ना। तो आप जिस मोड में चाहते हैं उस मोड में तैयारी कर सकते हैं। ये ड्रीम ALP बैच अभी रनिंग में चल रहा है, तो जो भी बच्चे हमारे नए जुड़ रहे हैं वो ले सकते हैं 1499 रुपीज़ ओनली में। ये है सारी चीज़ें आपको, PDF नोट्स, रिकॉर्डेड लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, टेस्ट सीरीज़ उपलब्ध कराई जा रही हैं, सारी बाइलिंगुअल बैच है, सब चीज़ें आपको बिल्कुल बेहतरीन तरीके से मिल रही हैं। ठीक है, तो चलिए सभी बच्चे आ जाइए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मनीष, राकेश, है ना। हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को, तो सारे बच्चे शेयर करते चलिए। और पहला क्वेश्चन आपके सामने है, स्क्रीन के सामने। चलिए सब लोग बहुत बेहतरीन तरीके से सॉल्व करते हैं। आज भी हम लोग सुपर 30 सुपर 50 कोशिश करेंगे, हो जाए। ठीक है, बहुत बेहतरीन। चलिए आते हैं, ये क्वेश्चन अभी आया हुआ है इसलिए इसी से शुरुआत कर दिए हैं कि निम्नलिखित में से कौन अंडे देता है, सीधे बच्चे नहीं देता है। मतलब कहने का ये है कि ये हमारा आता तो मैमल्स में है, मैमल्स चूँकि हमारे क्या होते हैं, ज़्यादातर बच्चों का जन्म देते हैं, लेकिन ये हमारा एक ऐसा जंतु है जो क्या करता है, ये सीधे अंडे देता है बच्चों को बाद में, मतलब अंडे से ही बच्चे हमारे निकलते हैं। तो ये हमारा क्या होता है बेटा, बताएंगे सारे बच्चे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कंगारू बच्चा देता है, सही भी बच्चा देता है और वेल भी बच्चा देता है। जो एकिड्स ना है, ये आपका एकिडना है, एकिडना के साथ एक और आपका जंतु आता है, कौन सा? प्लेटीपस, है ना, प्लेटीसस आता है ना, प्लेटीसस। ये दोनों ऐसे एकमात्र जीव हैं जो क्या देते हैं, अंडे देते हैं, ये सीधे बच्चे नहीं देते। चूँकि हमारे जितने भी मैमल्स होते हैं इनमें एक खासियत होती है कि ये बच्चों को जन्म देते हैं। बहुत बेहतरीन, चलिए आगे की ओर चलते हैं। टिक और माइट वास्तव में क्या होते हैं? टिक और माइट, ये अभी क्वेश्चन पूछा गया था कुछ दिन पहले, तो ध्यान में रखिएगा। टिक और माइट हमारे क्या हैं, मकड़ी वंशी हैं या क्रस्टेशियाई हैं या कीट हैं या बहुपाद हैं, है ना, पॉलीमर्स हैं, बताएंगे ये हमारे क्या होते हैं। तो ध्यान में रखिए, ये हमारे जो टिक और माइट हैं ये वास्तव में क्या होते हैं, मकड़ी वंशी हैं। ये क्या हैं वास्तव में बच्चे हमारे, ये वास्तव में क्या हैं, ये मकड़ी वंशी हैं। ये क्या होती हैं, टिक और माइट हमारी मकड़ी की प्रजातियां हैं। किसकी प्रजातियां हैं? मकड़ी की प्रजातियां हैं बेटा। और ये क्या है, ज़्यादातर मकड़ियां हमारे किस में आती हैं, एरेक्निडा वर्ग में आती हैं। किस वर्ग में आती हैं आपके? एरेक्निडा वर्ग में आती हैं, एरेक्निडा वर्ग में आती हैं। और साथ ही साथ एरेक्निडा वर्ग, साथ ही साथ ये हमारी क्या होती हैं, ये हमारी ज़्यादातर परभक्षी होती हैं। परभक्षी होती हैं मतलब क्या, दूसरों को खाने वाली होती हैं। ज़्यादातर मकड़ियाँ हमारी क्या हैं, परभक्षी हैं। और टिक भी हमारी क्या होती, परभक्षी बोलो या परजीवी भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, परभक्षी या परजीवी आप बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये क्वेश्चन लाने का और देने का उद्देश्य क्या था, ये जो हमारी माइट मकड़ी होती है, ये माइट मकड़ी हमारी स्वतंत्र जीवी, क्या स्वतंत्र जीवी है, है ना। ज़्यादातर तो आपकी परभक्षी होती हैं, ये हमारी स्वतंत्र जीवी है, साथ ही साथ परजीवी भी है, मतलब परभक्षी भी है। ये स्वतंत्र जीवी और परभक्षी दोनों हैं, ध्यान में रखिएगा। किसके बारे में? माइट के बारे में। बाकी जितनी भी मकड़ियां हैं सारी आपकी कैसी होती है, परभक्षी टाइप की या आपकी परजीवी टाइप की होती हैं। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आपकी क्या है, एक ये माइट जो है ये कैसी है, स्वतंत्र जीवी है। तो यहाँ से इसीलिए क्वेश्चन पूछा गया है ना। गुड मॉर्निंग बेटा, आगे आइए। ऑक्टोपस क्या है?
ऑक्टोपस एक संधिपाद है या शूलचर्मी है या हेमिकार्डेटा है या एक मृदुकवची मोलास्क है। ऑक्टोपस से क्वेश्चन पूछा गया है कि ऑक्टोपस हमारा क्या है, तो ऑक्टोपस देखा होगा ना, 7-8 भुजाएं उसकी रहती हैं, बिल्कुल नरम नरम सी है ना ऑक्टोपस। तो ये हमारा ऑक्टोपस किस में आता है बेटा, ये हमारा किस में आता है, मृदुकवची मोलास्क में आता है। ऑक्टोपस किस में आता है, बिल्कुल नहीं 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 नहीं, शूलचर्मी नहीं बेटा, शूलचर्मी नहीं है, ना तो हेमिकार्डेट है और ना ही इसमें संधिपात पाए जाते हैं। ये हमारा क्या है, नहीं शूलचर्मी नहीं बेटा, ये हमारा क्या है, एक मृदुकवची मोलास्क होता है। ये हमारा क्या है, एक मृदुकवची मोलास्क होता है। इसे ऑक्टोपस को ही हम लोग एक और नाम से जानते हैं, डेविल फिश। डेविल फिश आपने नाम सुना होगा है ना, इसे एक और नाम से जानते हैं, दैट इज़ द डेविल फिश नाम से जानते हैं। ऑक्टोपस को ही किस नाम से जानते हैं, ऑक्टोपस को ही हम लोग आपको क्या किस नाम से जानते हैं बेटा, डेविल फिश के नाम से जानते हैं, ठीक है। और ये हमारा कैसा होता है, ये हमारा सिफेलोपॉड्स होता है। सिफेलोपॉड्स है ना, किसके अंतर्गत आता है, सिफेलोपॉड्स के अंतर्गत आता है। साथ ही इसमें कितनी भुजाएं होती हैं, इसकी 8 भुजाएं होती हैं, 8 भुजाएं इसकी होती हैं, ठीक है। मुख में जा शरीर में के ऊपर वाले भाग में ही क्या होता है, मुख होता है। क्या कह रहे हैं गुड्डू मैम, आप बताए थे कि पके पत्तों फलों में ग्लूकोज पाया जाता है लेकिन गूगल में फ्रुक्टोज दे रहा, वेरी कन्फ्यूज्ड। अच्छा ठीक है, इसका हम एनसीईआरटी आपको निकाल के लाएंगे, ठीक है गुड्डू, आप परेशान नहीं होइए। क्योंकि क्वेश्चन देने का, एक बच्चे का हमारा कन्फ्यूजन है, वो क्वेश्चन देने का पर्पज ही यही पूछ रहा था, ठीक है, और जो आयोग ने माना है वही हमने भी माना है, तो आप उसके लिए बेफिक्र रहिए, ठीक है, बेफिक्र रहिए। या तो उसमें आपको फ्रुक्टोज देगा या फिर ग्लूकोज, दो ऑप्शन देगा, या अगर दोनों देता है और स्पेशली पके का देता है तो हम लोग उसी को प्रायोरिटी देंगे, ठीक है। गुड मॉर्निंग सभी लोग को। तो देखिए जो हमारा ऑक्टोपस है ये कैसा है, मृदुकवची मोलास्क है। आप लोग मोलास्क समझ के ये मत करना कि इनकी कवच, ज़्यादातर हमारे मोलास्क जैसे आपका सीप हो गया, मोती हो गया है ना, ये सारे जितने भी मोलास्क होते हैं इनकी जो कवच होती है वो आपकी कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है ना, कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होने के कारण ये काफ़ी कठोर होती है, लेकिन ये हमारा ऑक्टोपस जो है ये क्या है, ये आपका बिल्कुल मुलायम होता है, ठीक है। सिफेलोकार्ड्स के अंतर्गत इसे रखा गया है और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डेविल फिश भी कहते हैं। हाँ बिल्कुल, कल भी हुआ था बेटा, 9 बजे पर डे आपका क्लास होता है, तो सारे बच्चे शार्प 9 बजे आ जाया करें, है ना। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा कीट नहीं है, क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कीट नहीं है, कीट के बारे में पूछा गया है, तो बताइए खटमल, घरेलू मक्खी या मच्छर, मकड़ी, क्या हमारी कीट नहीं है। बहुत बढ़िया, बच्चों के आंसर स्टार्ट हो गए हैं, तो क्या हमारा कीट नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बच्चों ने हमारा आंसर दिया है। तो ये देखो, ये कौन सा हमारा कीट नहीं है, ये हमारा मकड़ी कीट नहीं है, ठीक है, मकड़ी हमारी कीट नहीं है। मकड़ी को किसके अंतर्गत रखा गया है, एरिनी गण के अंतर्गत रखा गया है। साथ ही साथ इसका अगर वर्ग देखें, अभी वर्ग हमने बताई दिया, एरेक्नीडा के अंतर्गत, एरेक्नीडा के अंतर्गत रखा गया है, ठीक है। अच्छा, इसको कीट क्यों नहीं कहा जाता, दिखती तो हमारी कीटों जैसी ही है, दिखती तो हमारी कीटों जैसी है, फिर भी इसको कीट नहीं कहा जाता, क्योंकि इसके जो होते हैं बेटा 8 चरण होते हैं, है ना, 8 पाद होते हैं। नॉर्मली कीटों में कितना होता है, 6 लेग्स होते हैं, इसमें कितने होते हैं, 8 लेग्स होते हैं। कितने लेग्स होते हैं बेटा, 8 लेग्स होते हैं। इस वजह से इसको किस में नहीं रखा गया है, कीटों में नहीं रखा गया है। बाकी सभी कपिल राजपूत, बाकी सभी को किस में रखा गया है, बाकी सभी को आपके कीड़ों के अंतर्गत रखा गया है, लेकिन हमारी मकड़ी क्या है, ये हमारी कीट नहीं है, ठीक है। और बताई दिया आपको, ये हमारी क्या होती है, स्वजीवी परजीवी होती है। मोस्टली मकड़ी हमारी कैसी होती है बेटा, परजीवी होती है, है ना, परजीवी होती है, मतलब दूसरों को ही खाती पीती हैं, जो छोटे छोटे आसपास इनको मिल जाते हैं चीज़ें वही ये खाती हैं। आज मकड़ी से 2-3 क्वेश्चन है ना। निम्नलिखित उड़ने वाले जीवों में कौन सा पक्षी वर्ग में नहीं आता है, निम्नलिखित में से कौन सा, बहुत बेहतरीन ये क्वेश्चन है, इसको हाईलाइट करके रखिएगा कि कौन सा जीव पक्षी वर्ग में नहीं आता है, चमगादड़, कौवा, चील या तोता।
बताएंगे कौन सा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, कौन सा पक्षी वर्ग में नहीं आता है, तो कौन सा पक्षी वर्ग में नहीं आता है आपका, बिल्कुल बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया बेहतरीन तरीके से आप काम कर रहे हैं। और कौन नहीं आता है, चमगादड़ नहीं आता है। चमगादड़ हमारा कैसा है, चमगादड़ बेटा हमारा स्तनपायी है ना, कैसा है हमारा जीव, ये मैमल्स के अंतर्गत आता है, एक स्तनपायी जीव होता है, साथ ही साथ ये एकमात्र ऐसा स्तनपायी है जो उड़ सकता है ना, एकमात्र ऐसा स्तनपायी है, एकमात्र ऐसा ये मैमल्स हैं जो क्या करता है, उड़ सकता है ना, ये हमारा क्या करता है, उड़ सकता है ना। और ये हमारी कौन सी रेस को एक्सेप्ट करता है बताइए, कौन सी रेस को ये पहचान सकता है, जो हमारा चमगादड़ होता है ये किस रेस को पहचान सकता है बताएंगे, ठीक है। अच्छा देखो, इसके जो अग्रबाहु होते हैं, जो अग्र हमारे हाथ होते हैं, इसके हाथ जो हैं बेटा ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, इसके पंख में कन्वर्ट हो जाते हैं। जो इसके आगे वाले हाथ होते हैं ना, वो किस में कन्वर्ट होते हैं बच्चा हमारे, ये हमारे इसके पंख में कन्वर्ट हो जाते हैं। आप देख सकते हैं जो अग्र हाथ हैं, इसके आगे वाले हाथ हैं, यही किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, पंख में बदल जाते हैं। किस में बदल जाते हैं बेटा, पंख में बदल जाते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए, हाँ बिल्कुल, इन्फ्रारेड, ये इन्फ्रारेड को समझ सकता है, महसूस कर सकता है और उसके अकॉर्डिंग अपनी रक्षा भी कर लेता है। सभी लोग सेशन को शेयर करते चलिए, बेहतरीन तरीके से, बेहतरीन तरीके से सभी बच्चे सेशन को शेयर करते चलेंगे, ठीक है। चलिए आगे की ओर चलते हैं। सांप के जहरीले विष दंत होते हैं जो रूपांतरित हैं। अब दांतों की बात आ गई है ना, हम लोग वैसे ही चार टाइप से दांतों को पढ़ते हैं ह्यूमन में, लेकिन ये क्या है, ये सांपों के हैं, और सांपों के जहरीले तो होते ही है ना, एनाकोंडा देखा होगा, वैनम देखा होगा, आप कह दो एनाकोंडा तो जहरीला होता नहीं है, होता है ना, कोबरा सबसे आपका जहरीला होता है। चलिए, तो सांप के जहरीले विष दंत में क्या रूपांतरित हो गया है, क्या उसके चुंबकास्थि दांत, या फिर तालु दांत, या फिर श्वसनीय दंत, या फिर जंबिका दंत, कौन से बदल गए हैं। अच्छा, हिंदी समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं, चुंबकास्थि ये जाइगोमैटिक टीथ, जाइगोमैटिक टीथ हिंदी में इंग्लिश में देख लीजिएगा, ठीक है, ये आपके पैलेटल टीथ, पैराइटल होंगे, और फिर आपके कैनाइन टीथ, और फिर आपके जंबिका टीथ, बताएंगे बताएंगे सारे बच्चे बताएंगे। नहीं बेटा, नहीं बेटा, ध्यान में रखिएगा, जो इसके जंबिका टीथ होते हैं, जंबिका टीथ, जंबिका टीथ मतलब इसके जबड़े के पास में बेटा कौन सी हड्डियां होती हैं, जबड़े के पास में, जबड़े के पास में हमारे बच्चों इसकी होती है मैक्सिली, है ना, मैक्सिली, मैक्सिला या मैक्सिली हम लोग बोल देते हैं, मैक्सिला कर लीजिए, मैक्सिला बोन्स होती हैं, मैक्सिला बोन्स होती हैं, हड्डियां होती हैं, यही क्या हो जाती है, यही इसकी किस में, विष ग्रंथियों में कन्वर्ट हो जाती हैं, किस में, विष ग्रंथियों में कन्वर्ट हो जाती हैं। विष ग्रंथियां स्पेशली हैं क्या, जो हमारा सांप होता है बेटा इसमें, अच्छा फिर से कर देंगे कृतिका, इसमें जो विष ग्रंथियां है, जो विष निकलता है, जैसे हमारे हमारे मुंह से क्या निकलता है, लार निकलता है, ये नहीं कहिएगा कि विष निकलता है ना, हमारे मुंह से क्या निकलता है, स्लाइवा निकलता है बेटा, लार का सिक्रीशन होता है, लार का स्त्रवण होता है, सिक्रीशन होता है, इसी तरह ये हम जो सांप है उनमें लार नहीं बनता है, लार की जगह क्या बनता है, विष युक्त लार बनता है, क्या, विषयुक्त लार बनता है, विषयुक्त लार बनता है। ये इसकी स्लाइवरी ग्लैंड्स, जो मैक्सिली बोन होती है, ये इसकी स्लाइवरी ग्लैंड्स ही होती है, ठीक है। अगर इसका वैनम अगर दूर से भी आपके हाथ पैर में पड़ जाए ना, और वो बॉडी के अंदर चला जाए, तब भी हमारे शरीर को वो हानिकारक है। अगर इनफैक्ट बॉडी में पड़ जाता है, जो आपके वाइपर्स, कोबरा वगैरह होते हैं, अगर इनका वैनम विष आपके शरीर में कहीं भी टच भी कर जाता है, तो उस भाग को इफेक्ट कर देता है, और न्यूरल सिस्टम में गया तो हमारा पूरा तंत्रिका तंत्र डैमेज हो जाता है विद इन सेकेंड, ठीक है, ठीक है। सबसे बढ़िया तरीका है डॉक्टर के पास जाइए, बाकी कुछ नहीं। तो ध्यान में रखिएगा, इसके जो जंबिका दंत होते हैं, यही क्या होते हैं आपके, बदल जाते हैं विष दंत में, ठीक है। चलो आगे की ओर चलते हैं। आज के क्वेश्चन ना बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, आपको सारे नए क्वेश्चन मिलने वाले हैं, है ना। चलिए, निम्नलिखित में कौन सा जानवर बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक रह सकता है, ये एक और बेहतरीन क्वेश्चन है, अब देखना इसका बच्चे आंसर क्या देते हैं, एक बार फिर से रिपीट कर दें। अच्छा, इसी को कृतिका पांडे, चलिए
इसमें आते हैं, उसका भी एक बार और आएगा तो कर देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक रह सकता है? बच्चों का आंसर शुरू हो गया, बस हम यही एक्सपेक्ट भी कर रहे थे, देखो बेटा, ऊंट जो होता है ना, ऊंट को जो आप लोग लगा रहे हैं, ये अपने क्या करता है, ये अपने आंत में पानी को स्टोर कर लेता है, है ना, क्या कर लेता है, पानी को स्टोर कर लेता है। कहाँ पे? अपनी आंत में, आंत में पानी को संग्रहित कर लेता है, और धीरे धीरे उसका प्रयोग करता रहता है। ऐसा नहीं है कि ये बिना पानी के रह लेगा, ठीक है, बिना पानी के ये नहीं रह सकता है। ये क्या करता है, बिल्कुल पानी को संग्रहित करता है और फिर उसका यूज करता रहता है। यहाँ पे पूछा क्या गया, बिना पानी पिए लंबी अवधि तक रह सकता है। अब बच्चों के आंसर बदल रहे हैं, तो बिल्कुल जो आपका कंगारू चूहा है ना, जो कंगारू चूहे होते हैं, कंगारू रैट होते हैं, ये क्या करते हैं, ये बहुत मतलब महीनों महीनों तक पानी नहीं पीते हैं, इनका काम चलता रहता है, क्योंकि इनकी एक विशेषता होती है ना, विशेषता क्या होती है इनकी, कि जो इनका यूरिन बनता है बेटा, यूरिन इनका ठोस होता है ना, ठोस रूप में क्या करते हैं, यूरिन को निकालते हैं और बहुत कम मात्रा में निकालते हैं। तो यही ये जो लिक्विड मात्रा में जो यूरिन रहता है उसको बार बार रीयूज्ड किया जाता है इनकी बॉडी में, ठीक है। जब तक वो बहुत ज़्यादा मतलब ठोसी अवस्था में नहीं आ जाता है तब तक उसको ये लोग यूज़ करते रहते हैं। और यहाँ पर जो लंबी अवधि तक सकता है वो कौन है, हमारा कंगारू चूहा, ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है, है ना। कल का पीडीएफ नहीं आया था, चलिए अभी हम देख बता पूछ ले रहे, टेलीग्राम चैनल पर, जीमेट के टेलीग्राम चैनल पर क्या है, अपडेट हो जाता है। अच्छा चलिए ठीक है, आगे की ओर चलें, बहुत बेहतरीन। फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जा सकता है वह कौन सा है? लीची हमारी सॉरी बच्चों, अभी लीची आ रही है आपके, है ना, आपके शहर में अभी अब लीची आनी शुरू हो गई होगी, है ना, लीची आनी आपके शहर में शुरू हो गई है। और ये क्या होता है, ये ऐसे 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 आपकी कांटे युक्त थोड़ी सी ऐसी एक लेयर होती है, है ना, और इस लेयर के अंदर क्या होता है, एक बहुत बड़ा आपका देखा जाए ऐसे गूदेदार होता है, मटेरियल होता है ना, और इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर एक होता है बीज, है ना, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर होता है एक ड्रोप, ड्रोप फल जिसको आप कहते हैं, इसके अंदर क्या होता है, एक बीज होता है। तो हम लोग क्या खाते हैं, लीची का हम लोग खाते क्या हैं बच्चों, हमारे ये छिलका हटा दिया जाता है, ये क्या है, इसका छिलका है, है ना, और ये इसका क्या है, बीज है, ये इसका क्या है, बीज है। हम लोग खाते क्या है, इसका जो गूदा वाला मटेरियल होता है ना, उसको खाते हैं। तो ये हमारा किस में रखा गया है, ये हमारे बिल्कुल किस में रखा गया है, ये हमारा ड्रूप फल है। कैसा फल है, ड्रूप फल में रखा गया है। ड्रूप फल की विशेषता देखिए, लीची का आप समझ गए होंगे, लीची को हमारे किस में रखा गया है, ड्रूप फल में। इसकी विशेषता क्या होती है बच्चों, कि इसके बाहर भी छिलका होता है, इसके बाहर क्या होता है, एक हार्ड परत होती है, ठीक है, और अंदर गूदे के अंदर एक क्या होता है, बीज होता है। गूदे के अंदर ही क्या पाया जाता है, बीज पाया जाता है, ठीक है। तो ऐसे जो भी फल हैं इनको हम लोग किस में रखते हैं, आपके ड्रूप फल में रखते हैं। चलिए चलें, बहुत बेहतरीन, आगे की ओर चलते हैं। निम्नलिखित उड़ने वाले जीवों में कौन सा पक्षी वर्ग में नहीं है? ये तो रिपीटेड क्वेश्चन हो गया, सारे बच्चे एक बार लगा दो इसमें आंसर, लीची के खाने वाली, बिल्कुल सारे बच्चे लगा दो इसमें आंसर, एक बार लगा दो, किसे पक्षी वर्ग में नहीं रखा गया है, जिससे आपके दिमाग में भी सेट हो जाए चीज़ें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, चलिए बाट क्या कह रहे हैं। अच्छा आइए निम्न आगे आते हैं, 10 नंबर में, निम्न अधोभूमि उत्पादित सब्जियों में से कौन सा एक रूपांतरित जड़ है? रूपांतरित जड़ की बात की गई है, कि निम्नलिखित में से कौन सा एक रूपांतरित जड़ है। तो देखो, आलू दिया है, शकरकंद दिया है, बंडा दिया है, जिमीकंद दिया है। ये क्वेश्चन बहुत परेशान करता है, और खासकर आप ध्यान में रखिएगा, आलू, आलू तो है ही है, आलू, गाजर, मूली, ये 5-6 चीज़ों को बिल्कुल याद कर लीजिए, है ना। एक आपका शकरकंद, है ना, और शकरकंद, हल्दी, ये 7-8 चीज़ें ऐसी पूछी जाती हैं, और आपका जिमीकंद, है ना, जिमीकंद भी पूछा जाता है,
ठीक है, ये पांच छह चीजों को बिल्कुल दिमाग में बिठा लीजिए, ये कहीं भी पूछ ली जाती है। तो बताइए भाई, कौन सा एक रूपांतरित जड़ है हमारा? आलू क्या है? आलू हमारा रूपांतरित तना है। आलू क्या है? रूपांतरित तना है। ये भी हमारा क्या है? रूपांतरित तना है बेटा। जिमीकंद भी हमारा क्या है? तना है। यहाँ पे जड़ जो है वो जड़ कौन सा है बेटा? जड़ कौन सा है बताइए? ये है हमारा स्वीट पोटैटो, है ना। ये हमारा जो स्वीट पोटैटो है ये हमारा जड़ है। इसके साथ शकरकंद के साथ आपका गाजर बोला जाए या सलजम बोला जाए, है ना। इसके साथ और क्या आ जाए? गाजर आ जाए, सलजम आ जाए। सलजम जानते हैं? सलजम खाया है? सीताफल को सलजम बोला जाता है ना, सीताफल को सलजम बोला जाता है। चुकंदर, सलजम, बिल्कुल बिल्कुल, ये सारे आपके किस में आ जाएंगे? ये रूपांतरित जड़ में आ जाएंगे। जबकि आपका आलू आ जाए, है ना, आलू आ जाए, मूली आ जाए, हल्दी आ जाए, अदरक आ जाए, है ना, अदरक आ जाए, हल्दी आ जाए, ये सारे आपके क्या हो जाते हैं? रूपांतरित तने हो जाते हैं। क्या है? रूपांतरित तने हैं। प्याज आ जाए, आपका लहसुन आ जाए, ये सारे क्या हैं? ये रूपांतरित तने हैं। क्या कह रहे हैं? सलजम। हाँ, चलिए आगे की ओर चलते हैं। एक और बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने। कुनैन सिनकोना पादप के किस भाग में प्राकृतिक रूप से पाई जाती है? अच्छा देखो, ये कुनैन हमारे किसके लिए प्रयोग की जाती है? मलेरिया के लिए, है ना। मलेरिया की एक दवा है, मलेरिया के लिए अक्सर इसका प्रयोग किया जाता है। ये एक पीड़ा नाशक दवा होती है। कैसी दवा है? पीड़ा नाशक दवा है। अर्थात जो शरीर के बुखार, तब से आप बताइए भाई, बुखार, आपके दर्द, है ना, दर्द तथा अकड़न समझते हैं ना, अकड़न को कम करती है। क्या करती है? को कम करती है। तो कुनैन का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। और ये हमारे किससे प्राप्त होती है? ये हमारा जड़ है, फल है, बीज है, या आपका, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ये क्या है? ये हमारे सिनकोना की छाल से प्राप्त होता है। कुनैन किससे प्राप्त होता है? सिनकोना की छाल से प्राप्त होता है। ध्यान में रखिएगा, प्राकृतिक रूप से। अब तो हमारी आर्टिफिशियल बनाई जाने लगी है ना, पैरासिटामोल, कॉम्बिफ्लॉम, ये सारी चीज़ें आपकी कुछ इसी तरह का काम करती हैं। आगे आइए। घटपर्णी में के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक घट में रूपांतरित होता है? अभी तक बेटा आपने घटपर्णी पढ़ा है ना, अनुरुद्ध घटपर्णी आपने पढ़ा होगा, जिसको पिचर प्लांट भी कहते हैं। ये क्या करते हैं? कीटों को खाते हैं। ये क्यों खाते हैं? अपने नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए। किसकी? नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ये किसको खाते हैं? कीटों को खाते हैं, ठीक है। किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? तो ये भारत के पूर्वी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। हम मतलब कहाँ पे? आपका मेघालय हो गया, मेघालय है बेटा, असम है ना, असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, नागालैंड है, इन क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे धूप कम निकलती है, ज़्यादातर बारिश का मौसम बना रहता है। आंसर बताना है कि जो घटपर्णी है निम्नलिखित में से किसका एक रूपांतरित, जो घट है बेटा वो किस में रूपांतरित हो गया है, ये पूछा गया है। तो क्या आपके स्तंभ में, या पत्ता है, या अनुपर्ण है, या आपका पेटियोल्स है? बताइए भाई, एक बार सभी बच्चे बताएंगे। मे बी डी है ना, बच्चा हमारा मे बी डी बता रहा है। एक बार अच्छे से और एक बार सोचिए क्या होना चाहिए। आप लोग बता रहे हैं मे बी डी। अच्छा देखो, तो ये हमारा क्या होता है? जो हमारा पीटियोल्स होता है ना, जो हमारा पीटियोल्स होता है, यही हमारा क्या हो जाता है, किस में कन्वर्ट हो जाता है? यही हमारा घट में कन्वर्ट हो जाता है ना। मतलब कुछ आप ऐसे देखते हैं, है ना, कुछ आपने ऐसे देखा होगा और इसके ऊपर एक ऐसे ढक्कन लगा हुआ होता है ना। तो जो इसका पीटियोल्स होता है वही क्या होता है, इसमें कन्वर्ट हो जाता है। और जैसे इसमें क्या होती है, एक स्पेशल देखा जाए फ्रेगनेंस, है ना, इस
इसकी एक स्मेल होती है, एक अच्छी सी स्मेल, स्वीट स्मेल जिसको हम लोग कहते हैं, क्या है एक स्वीट स्मेल इससे निकलती है, जिससे क्या होता है इंसेक्ट आता है और इसके ऊपर क्या करता है बैठता है, और जैसे ही बैठता है तो ये क्या हो जाता, चूँकि यहाँ पर भी चिपचिपा पदार्थ होता है तो ये क्या होता है डप से यहाँ पर अंदर चला जाता है और डप से ये बंद हो जाता है ना, और फिर वो उसको क्या कर लेता है एमडी धीरे धीरे डाइजेस्ट कर लेता है। स्पेशल ट्रेड का कोर्स मिल जाएगा डीजल मैकेनिक में? हाँ बिल्कुल मिल जाएगा एमडी। एक बार आप टेक्निक आप जो स्टाफ है जो आपको नंबर दिया गया है व्हाट्सएप में यहाँ पे हम आपको पहले बता चुके हैं, एक बार आप रिवाइज करके देख लीजिएगा, उस नंबर पे कॉल करके एक बार कन्फर्म कर लेंगे, है ना एमडी। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो क्वेश्चन ऐसा भी आता है आप लोग के माइंड में, सिर्फ घटपर्णी को देख के एक ही नाम आ जाता है कि हाँ ये कीड़ों को खाता है, नॉर्थ एरिया में पाया जाता है। क्यों खाता है? क्योंकि इसमें नाइट्रोजन की कमी होती है। ठीक है, पता था बट कंफ्यूज थे, बस हो जाता है कभी कभार। चलिए चले आगे की ओर। अब क्लियर हुआ? क्लियर हुआ बच्चों? नहीं हुआ, बहुत बढ़िया। बराबर अनुपात में मिलाए गए ग्लूकोज तथा फ्रुक्टोज के मिश्रण को क्या कहेंगे, है ना। अभी एक बच्चा हमसे कह रहा था कि मैडम कंफ्यूज हूँ कि पके हुए फल में ग्लूकोज पाया जाता है या फ्रुक्टोज पाया जाता है। ठीक है, तो अगर बेटा अगर ऐसा दिया हो, है ना, जैसे कल ये क्वेश्चन आया था कि पके फलों में क्या पाया जाता है, अब यहाँ पे क्वेश्चन आ गया तो इसको भी बता दे रहे हैं, पके फलों में क्या पाया जाता है या पके अंगूर में क्या, क्वेश्चन ये था पके अंगूर में क्या पाया जाता है, है ना। तो पका अंगूर चूँकि ज़्यादा मीठा हो जाता है, इसमें आपका ग्लूकोज भी ऑप्शन में था, ग्लूकोज ऑप्शन में था, है ना, सुक्रोज ऑप्शन में था, सुक्रोज ऑप्शन में था, ठीक है, और आपका फ्रुक्टोज भी ऑप्शन में था, फ्रुक्टोज भी ऑप्शन में था, हमने इसको ग्लूकोज लगवाया था। ध्यान में रखिएगा स्पेशली वो एक पर्टिकुलर स्टेज की बात कर रहा है कि जब अंगूर पक गया है। अगर ऐसे पूछ लेता कि अंगूर में क्या पाया जाता है या अंगूर में मिठास किस वजह से होती है, अंगूर में मिठास किस वजह से होती है, तो आप तब लगा सकते थे, बिल्कुल फ्रुक्टोज को लगा सकते थे। लेकिन उसने एक कंडीशन दी है और उस कंडीशन में क्या है, ज़्यादातर मात्रा में होता है, हाँ बिल्कुल फ्रूट्स में फ्रुक्टोज ही पाया जाता है, लेकिन जब वो पक जाते हैं तो यही फ्रुक्टोज किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए अच्छा इसका बता रहे हैं आप, ग्रेप्स में एंड इमली में टार्ट्रिक एसिड, हाँ एसिड की बात, वो तो केमिस्ट्री में पहुंच गए, है ना। चलिए, बराबर अनुपात में मिलाए गए ग्लूकोज तथा फ्रुक्टोज के मिश्रण को क्या कहते हैं, सुक्रोज, गन्ने की शर्करा या इन्वर्टेड, प्रतीप शर्करा या भूरी शर्करा। तो ध्यान में रखिएगा, ध्यान में रखिएगा, जब ग्लूकोज तथा फ्रुक्टोज को मिला दिया जाता है तो क्या बनता है बच्चों मेरे, ये हमारा बना लेता है सुक्रोज, क्या बना लेता है सुक्रोज बना लेता है। नो 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 सोनू, प्रतीप शर्करा तो वो हमारी ऐसी है ना जो आपकी इन्वर्टेड शर्करा होती है, मतलब जो आर्टिफिशियल या कृत्रिम शर्करा बनाई जाती है ना, क्या बनाई जाती है, जो आपकी कृत्रिम शर्करा बनाई जाती है ना, जैसे हमने आपको एस्पर्टम के बारे में बताया था, है ना, एस्पर्टम के बारे में बताया था, ये आपकी क्या होती है कृत्रिम शर्करा बताई थी, सैक्रीन बताया था, है ना, सैक्रीन बताया था, सैक्रीन बताया था, ये सारी आपकी क्या है इन्वर्टेड शुगर है, दैट मीन्स प्रतीप शर्करा, ये हमें किससे मिलती है, ये आर्टिफिशियली तौर पर बनाई जाती हैं जो काफ़ी मीठी होती हैं नॉर्मल शुगर से। बहुत बढ़िया विनोद सिंह, चलिए आइए। तो क्लियर हुआ या नहीं हुआ बताइए फटाफट, क्लियर हुआ या नहीं हुआ, हुआ तो बहुत बढ़िया, चले आगे की ओर। चलिए, रासायनिक रूप से इंसुलिन है, ये एक बहुत अच्छा और बहुत प्यारा क्वेश्चन है बच्चों मेरे, बहुत बढ़िया ये क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा ध्यान में लगा के, ध्यान से, है ना, कि या ध्यान में लगा के करना है कि गलत ना होने पाए ना, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज माल्टोज, हाँ बढ़िया है। ठीक है, चलिए, इंसुलिन हमारा क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट है, पेप्टाइड है, न्यूक्लियोटाइड्स है या ओलिगोसैकेराइड्स है। इंसुलिन हमारा है क्या, इंसुलिन वैसे तो आपको पता ही है ये हमारा क्या है, एक हार्मोन्स है, है ना, एक क्या है ये हमारा हार्मोन्स है। ठीक है, ये क्या करता है, ये हमारे रक्त शर्करा, जो ब्लड शुगर होती है, रक्त शर्करा का नियंत्रण करता है, रक्त शर्करा का नियंत्रण तथा नियमन करता है, नियंत्रण तथा
नियमन करता है बच्चों, क्या करता है, नियमन करता है कि कितनी हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा होनी चाहिए। अच्छा, बहुत बच्चा हमारा सी बोल रहा है, तो ध्यान में रखिए, ये हमारा न्यूक्लियोटाइड कतई नहीं है, न्यूक्लियोटाइड कतई नहीं है। अरे न्यूक्लियोटाइड तो हमारे अगर आरएनए पूछा होता है ना, अगर डीएनए पूछा होता, अगर प्यूरिन पूछा होता, प्यूरिन पूछा होता है, पिरिमिडीन पूछा होता है, पिरिमिडीन पूछा होता, तो हम लगा देते न्यूक्लियोटाइड्स को, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, ये हमारे कार्बोहाइड्रेट्स भी नहीं है, ये हमारे कैसे हैं, पेप्टाइड्स ग्रुप्स होते हैं। किससे मिलकर बने होते हैं, ये हमारे अमीनो एसिड से मिलकर बनते हैं। किससे, अमीनो अम्ल से मिलकर बनते हैं। और कितने अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है इनको बनाने के लिए, लगभग आपके 51 अमीनो एसिड्स मिलकर बनाते हैं। कौन से 51 अमीनो एसिड्स के नियर अबाउट ये हमारे मिलते हैं, तब हमारा जाके इंसुलिन बनता है। और इंसुलिन काम क्या करता है, इंसुलिन हमारे शरीर में हमारे जो ब्लड शुगर होती है उसको नियंत्रित और नियमित करने का काम करता है, ठीक है। एक बार इसका बैलेंस गड़बड़ हो गया ना बेटा, तो फिर बहुत दिक्कत हो जाती है। कौन सी बीमारी, कौन सी बीमारी बेटा, मधुमेह। क्या, मधुमेह है ना, नाम भी इसका देखो रखा गया है मधुमेह, दैट मीन्स डायबिटीज का शिकार व्यक्ति हो जाता है। और इसके लिए करना क्या है, इसके लिए करना क्या है, इसके लिए आपको अपनी दिनचर्या, अपनी दिनचर्या, जो भी आप लोगों को लगता है ना कि कभी भी सो जाओ, कभी भी उठ जाओ, कभी भी कुछ भी खा लो, अच्छा आपका सही है, ठीक है, कभी भी कुछ भी खा लो, ऐसा नहीं है। ये हमारा पूरा एक बॉडी, एक पूरा सिस्टम है, और ये हमारा सिस्टम से ही चलेगा। अगर इसको बिना सिस्टम के चलाया ना, तो ये अपना दिखाना स्टार्ट करता है जब आप 35, 38, 40 के बाद हो जाते हैं, ठीक है। और जो लोग मैगी, बर्गर, पिज्ज़ा, बिस्किट, चाउमीन, इन पर निर्भर हैं, तो वो मान लीजिए कि आपको ये बीमारी होते बहुत दिन नहीं लगने हैं, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया, आगे की ओर चलते हैं। मधुमेह से ग्रस्त रोगियों के यूरिन के नमूने में क्या देखा जाता है, अगर कोई व्यक्ति डायबिटीज से पीड़ित है ना, हाँ बिल्कुल राकेश को बहुत मज़े आ रहे हैं, अगर व्यक्ति डायबिटीज से पीड़ित है तो उसका जो ब्लड टेस्ट किया जाता है उसमें किसकी किस क्या चेक किया जाता है, सुक्रोज, ग्लूकोज, लैक्टोज या माल्टोज, किसका चेकअप किया जाता है, बहुत बढ़िया, किसका चेकअप किया जाता है, तो ये हमारे बिल्कुल ग्लूकोज का चेकअप किया जाता है। किसका चेकअप जाता है बेटा, ग्लूकोज का चेकअप किया जाता है, बहुत बढ़िया, ये हमने कॉमन क्वेश्चन रखा है, आपको ध्यान में रहना चाहिए, है ना, किसका चेकअप किया जाता है, ग्लूकोज का। मैटर तो अब आता है, मैटर तो मुद्दा तो अब आता है जब हमने ग्लूकोज हटा ही दिया, अब लगाइए भैया, अब लगाइए भैया, अब किसको लगाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन में यही आया था, ऑप्शन में यही आया था, ग्लूकोज को उसने हटा दिया, ठीक है, ग्लूकोज को उसने हटा दिया, अब कौन सा होगा, सुक्रोज, लैक्टोज या माल्टोज, अब बताएं, बहुत बढ़िया, रणधीर का आंसर आ गया है, कुछ बच्चे हमारे सुक्रोज बता रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ग्लूकोज अगर ऑप्शन में नहीं है तो बिल्कुल आपने बिल्कुल बहुत बढ़िया कॉमन सेंस लगाया है, बिल्कुल किसको हम लोग देखेंगे, सुक्रोज को देखेंगे। वैसे तो 100% ग्लूकोज ही चेक होता है, लेकिन एग्जामिनर का मूड होता है ना कभी कभार, और कभी कभार क्या ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए हमने भी सोचा कि आपको भी एक क्वेश्चन ऐसा देना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा क्या कर रहा है, ये हमारा सुक्रोज। चलिए आइए, बहुत बढ़िया, आगे की ओर आते हैं। लॉन्ग है, लॉन्ग क्या है बेटा, लॉन्ग तना है या तना की गांठें हैं, जड़ की गांठें हैं या बंद कलिकाएं हैं या बीज हैं, लॉन्ग हमारी क्या होती हैं, लॉन्ग के बारे में स्पेशली क्वेश्चन पूछा गया है कि लॉन्ग हमारी क्या होती हैं, फटाफट बताएंगे कि लॉन्ग हमारी क्या होती हैं। बच्चों ने दिया है आंसर, लॉन्ग हमारी बंद कलिका होती हैं, है ना। साइजीजियम, साइजीजियम क्या होता है, साइजीजियम एरोमेटिकम, इसका फुल फॉर्म क्या है, साइंटिफिक नेम क्या है, साइजीजियम, 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 है ना, क्या नाम है इसका बेटा, साइजीजियम आपका एरोमेटिकम, एरोमेटिकम, देखो इसका भी नाम एरो ग्रुप में आ गया ना, एरोमेटिकम, क्योंकि इसकी क्या होती है, एक स्पेशल महक होती है। और ये हमारा क्या है, ये हमारी बंद कलिकाएं हैं। बंद कलिकाओं का मतलब क्या है, इसका क्या खाया जाता है, स्टाइल या स्टिग्मा या फिर एंथर, क्या खाएंगे, फूल की कली से मिलता है, हाँ बिल्कुल फूल की कली से मिलता है। तो ये तो नॉर्मल क्वेश्चन पूछ लिया गया, अब इससे क्वेश्चन ऐसे बनता है कि लॉन्ग का क्या खाया जाता है, स्टाइल, स्टाइल खाई जाती है,
है ना, लॉन्ग की स्टाइल खाई जाती है, या स्टिग्मा खाया जाता है, या फिर इसका एंथर खाया जाता है। एंथर है ना, क्या इसका खाया जाता है बताएंगे, क्या खाया जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बच्चों ने आंसर शुरुआत कर दिया है, क्या खाया जाता है। सेशन शेयर करते चलो भाई, लॉन्ग का हमारे क्या खाया जाता है, तो ध्यान में रखिएगा लॉन्ग का एंथर खाया जाता है। बहुत बढ़िया, लॉन्ग का क्या खाया जाता है, एंथर ही खाया जाता है। ठीक है, जो इसका मेल पार्ट होता है इसको खाया जाता है। और ये हमारे ज़्यादातर किस देश की उपज है, ये हमारे इंडोनेशिया है ना, किसकी, इंडोनेशिया की उपज है। किसकी उपज है बच्चों मेरे, ये हमारी इंडोनेशिया की उपज है। हिंदी में बोलिए, हिंदी में बोलें, वर्तिका, वर्तिकाग्र या पुमंग है ना, वर्तिका 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 वर्तिकाग्र वर्ति तुम्हारी वर्तिकाग्र और फिर ये क्या हो जाएगा, पुमंग है ना, या पुंकेसर पुंकेसर पुंकेसर। ठीक है, ये हिंदी हो गई इसकी। बहुत बढ़िया, चलिए अभय जी अब आंसर देंगे। निम्न में से कौन सा तना है, तना कौन सा है, फिर से ये तना से घूम फिर के क्वेश्चन आ गया। सलजम, अदरक, गाजर या शकरकंद। अब तो किसकी बारी आई है, अब तो किसकी बारी आई है, अब तने की बारी आई है। तो बिल्कुल आपने लगा दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा तना है ना, बिल्कुल। बहुत बढ़िया, जिंजर जिंजर, बहुत बढ़िया। ये हमारा क्या है, ये हमारा तना है ना। तने के साथ और तीन तनों के नाम भेजो, तीन तनों के और नाम भेजो जिसका हम लोग, जिसको हम लोग खाते हैं। बहुत बढ़िया, आलू खाते हैं, अदरक खाते हैं, हल्दी खाते हैं, है ना। ये हमारा सलजम जड़, गाजर जड़, शकरकंद जड़, इन सब का हम क्या खाते हैं, जड़ खाते हैं, हल्दी पोटैटो। बहुत बढ़िया, चले ये एक नॉर्मल क्वेश्चन है। भोजन में विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग कौन सा होता है। आज के क्वेश्चन तो कुछ ज़्यादा ही छोटे हो गए। चलिए, विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग कौन सा होता है, टर्मिक पोटैटो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा देखिए, ये आपका क्या है, विटामिन स्कार्बिक है ना, स्कार्बिक अम्ल की कमी से, स्कार्बिक अम्ल की कमी से, किसकी कमी से, स्कार्बिक अम्ल की कमी से, मतलब क्या, विटामिन सी की कमी से, है ना, विटामिन सी की कमी से, विटामिन सी की कमी से। ठीक है, हो गया स्कर्बी। बेरी बेरी आपका किससे होता है, बेरी बेरी किससे होता है, विटामिन बी वन है ना, थायमिन की कमी से, थायमिन थायमिन है, थायमिन की कमी से, मतलब बी वन की कमी से। अच्छा, ये हमारा रिकेट्स, रिकेट्स क्या है, रिकेट्स क्या है, विटामिन डी की कमी से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। रिकेट्स, रिकेट्स के साथ एक और बीमारी बताइए। रिकेट्स तो बच्चों में होती है, रिकेट्स किस में बेटा, बच्चों में होता है, बड़ों में बताओ इसकी बीमारी क्या होती है, बड़ों में कौन सी बीमारी होती है आपके विटामिन डी की कमी से, है ना। रतौधी आपका क्या, विटामिन ए की कमी से, विटामिन ए की कमी से, मतलब रेटिनॉल की कमी से, है ना, रेटिनॉल कह सकते हैं। इसके साथ एक और इसकी बीमारी आ जाती है, जीरोथैल्मिया। जीरोथैल्मिया याद हो गया या नहीं हुआ, बोलो मेरे मियाँ, बताओ जीरोथैल्मिया याद हुआ या नहीं हुआ, ऑस्टियोपोरोसिस। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेल डन वेल डन। बच्चों कौन सी बड़ों में होती है बीमारी, ऑस्टियोपोरोसिस ऑस्टियोपोरोसिस ऑस्टियोपोरोसिस। कौन सी बीमारी बेटा, ऑस्टियोपोरोसिस होती है। बोन्स में किसकी कमी हो जाती है, बोन्स में किस तत्व की कमी होती है, तो बोन्स में कैल्शियम फॉस्फेट, किसकी बेटा, कैल्शियम फॉस्फेट की कमी होने लगती है। किसकी कमी होने लगती है, कैल्शियम फॉस्फेट की कमी होने लगती है, और बोन्स क्या होने लगती हैं, बोन्स हमारी धीरे धीरे खोखली होना स्टार्ट हो जाती हैं, है ना, खोखली मतलब संरद्री होना स्टार्ट हो जाती है, स्पोरियस नेचर की होना स्टार्ट हो जाती है, संरद्री होने लगती है, मतलब हड्डियां क्या हो जाती हैं, कमजोर हो जाती हैं। बहुत बढ़िया, जीरोथैल्मिया ये भी हमारी कहाँ पे होती है, आँखों में ही होती है। जीरोथैल्मिया कहाँ पे होती है, आँखों में ही होती है। क्या लक्षण है, आँखों के आंसू सूख जाते हैं, आँखों के आंसू सूख गए, है ना। अब क्या हो गया, सूख गए आंसू, तो अब सूख गए तो डेजर्ट हो गई आँखें, है ना। अब आंखों के आंसू सूख गए तो उपजाऊपन तो रहा नहीं, आंखें लाल हो गई। आंखें कैसी हो जाती हैं, आंखें बेटा लाल हो जाती हैं, ठीक है। और बहुत ज़्यादा आंखों में जलन होती है, जलन होती है। ये होता क्यों है, जीरोथैल्मिया होता क्यों है, तो ध्यान में रखिएगा, जो आजकल हम लोग टीवी स्क्रीन में बैठते हैं, है ना, हम लोग दिन भर मोबाइल चलाते हैं,
आप लोग मतलब हम तो नहीं चलाते हैं, हम तो अच्छे हैं, मोबाइल चलाते हैं या फिर टीवी देखते हैं, है ना, टीवी देखते हैं। कल का आईपीएल किसी ने नहीं छोड़ा होगा, कंटिन्यूसली 4-5 घंटे आप लोगों ने टीवी देखी ही देखी होगी, है ना। साथ ही साथ कंप्यूटर में ज़्यादा देर तक काम करने में, है ना, कंप्यूटर में ज़्यादा देर तक हम लोग जब तक काम करते रहते हैं। और फिर एक और रीज़न है, इसका एक और रीज़न है, यहाँ पर कर देते हैं वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण भी इसका अब एक रीज़न माना जाने लगा है आपके जीरोथैलमिया का, है ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ध्यान में रखिएगा इसको भी, इसको भी, इसको भी हम देखते हैं। बिल्कुल सभी ने देखा होगा, बहुत बढ़िया था। चलिए, केसर होता है एक सूखा मिश्रण। अच्छा, केसर होता है सूखा मिश्रण किसका? पत्ती और तने का, पंखुड़ियों का। अच्छा, फूल के बीज बनाने वाले भागों का, बीज और कलियों का। बहुत बढ़िया, ये केसर से एक बहुत अच्छा अपडेटेड क्वेश्चन है, है ना कोमल। तुम अरे अपने में देखो ना, तुम देख के क्या करोगी? अरे बाप रे, हम एमडी है ना। चलिए, तो केसर होता है किसका सूखा मिश्रण होता है केसर, है ना। अब कोमल क्या ही बताएंगे, बताएंगे तो फिर ना ही बताओ, ठीक है। चलिए, पत्ती और तने का, पंखुड़ियों और जड़ों का, फूल के बीज बनाने वाले भागों का, बीज और कलियों का, किसका मिश्रण होता है? चलिए आंसर पे आते हैं कि हमारे केसर किसका मिश्रण होता है। तो ध्यान में रखिएगा, ये हमारा किसका मिश्रण होता है? फूल के बीज बनाने वाले भागों का। किसका? फूल के बीज बनाने वाले भागों का। मतलब जो आपका वर्तिका और वर्तिकाग्र, अभी हमने बताया वर्तिका, है ना, वर्तिका प्लस वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र का भाग होता है, है ना। इसी से हमारे वर्तिकाग्र का भाग होता है, यही हमारा क्या बनाता है बेटा? केसर बनाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं साइंटिफिकली, साइंटिफिक नेम केसर का बताइए, इसको क्या बोला जाता है? सैफ्रॉन सैफ्रॉन क्या कहते हैं? सैफ्रॉन कॉकस बोला जाता है ना, सैफ्रॉन कॉकस इसका हम लोग साइंटिफिक नेम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सैफ्रॉन कॉकस बोलते हैं, या फिर कॉकस सटाइवम भी इसको बोला जाता है। क्या? कॉकस सटाइवम, कॉकस, कॉकस सटाइवम क्या बोला जाता है? सटाइवम, है ना, कॉकस सटाइवम भी बोला जाता है हमारे सैफ्रॉन को। सैफ्रॉन खाने में कैसा होता है, क्या पता है आपको? सैफ्रॉन कैसा होता है खाने में? खाने में सैफ्रॉन बेटा केसर तीखा होता है। कैसा होता है? तीखा होता है, मिर्ची जैसा इसका मतलब स्वाद लगता है। और इसमें क्या पाया जाता है, इधर लिखते हैं, ये खाने में कैसा होता है? खाने में तीखा होता है, खाने में तीखा होता है। मतलब क्या, जैसे मिर्ची तीखी लगती है ना, इसी तरह प्योर सैफ्रॉन भी तीखा लगता है। और किसके कारण तीखा लगता है? इसमें एक तत्व होता है, दैट इज़ द सैफ्रेनॉल। कौन सा तत्व होता है? सैफ्रेनॉल, सैफ्रेनॉल, है ना, सैफ्रेनॉल तत्व पाया जाता है, इसके कारण ये क्या होता है? तीखा होता है। साथ ही साथ एक आध और इसमें तत्व पाए जाते हैं, जैसे आपका पिक्रोक्रोशिन, हाँ वो बिल्कुल आप लिख सकते हैं, सैफ्रॉन के साथ कौन सा पाया जाता है? पिक्रोक्रोशिन। ये तत्व क्या बनाते हैं? सैफ्रॉन को तीखा बनाने का काम करते हैं, है ना। काफ़ी महंगा होता है, काफ़ी महंगा होता है सैफ्रॉन। नॉर्मली हम लोग मतलब बहुत कम ही अफोर्ड करते हैं, है ना, कभी कभार त्योहारों में ही आता है, अदरवाइज नहीं आता है। केमिस्ट्री का क्वेश्चन अभी आगे है, केमिस्ट्री भी इसी में ऐड कर दिया है हमने, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा, इन तत्वों के नाम जरूर याद रखिएगा, आजकल क्वेश्चन यहीं से पूछा जा रहा है, तो कहीं पर आप नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। मैम कोमल बहुत कर रही हैं क्लास में। अच्छा, अभी तो ये भी नहीं पता कि कोमल गर्ल है या बॉय है, ठीक है। चलो आगे चलिए, मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम कहलाता है। मकड़ियाँ कौन सा रेशम उत्पादित करती हैं, ठीक है, टसर रेशम, मूगा रेशम, गास्मीर रेशम या अहिंसा रेशम। देखो, नॉर्मली हमारा 4 तरह का रेशम उत्पादित किया जाता है। कितने तरह का? 4 तरह का रेशम उत्पादित किया जाता है, टसर रेशम, मूगा रेशम, और इसके साथ एक और होता है आपका इरी, है ना, इरी रेशम, इरी रेशम, इधर से डालते हैं, इरी रेशम, इरी रेशम, है ना, और दो एक होता है आपका सहतूत रेशम, सहतूत रेशम, है ना,
लेकिन ये हमारे क्या है, ये रेशम के कीड़ों से बनता है, ये रेशम के कीड़ों से बनता है ना अभय कुमार, ये हमारे क्या बनते हैं, ये हमारे रेशम के कीड़ों से बनते हैं। और ज़्यादातर ये, चूँकि हम लोग नॉर्मली शहतूत के पेड़ में सुनते हैं कि शहतूत की पत्तियों में क्या होता है, शहतूत की पत्तियों में इसका पालन होता है ना, शहतूत के पेड़ में या शहतूत की पत्तियों में इसका पालन किया जाता है हमारे भारत में, है ना। भारत के परिदृश्य से देखें तो ये हमारे क्या है, भारत में क्या किया जाता है, इसका पालन किया जाता है। ठीक है, तो परेशान नहीं होना है। ठीक, आगे देखिए, कब, जब हमारा रेशम का जो कीड़ा होता है, रेशम का जो कीड़ा होता है, ये इसकी प्यूपा अवस्था में, जब ये किस में होता है, प्यूपा अवस्था में होता है, तब ये क्या करता है, एक चिपचिपा मटेरियल का सिक्रीशन करता है। किसका, चिपचिपा मटेरियल का सिक्रीशन करता है, और यही चिपचिपा मटेरियल क्या होता है, इकट्ठा किया जाता है और उसी से रेशम बना देते हैं, है ना कोमल। हम भी टीवी देखो, कोमल तो टीवी देखती ही नहीं है। अच्छा, आते क्वेश्चन पे, ये क्या करता है, ये कौन सा रेशम, ये हमारा काश्मीर रेशम, जो मकड़ियाँ रेशम बनाती हैं, ये काश्मीर रेशम होता है, और ये एक्चुअल रेशम से भी महंगा होता है। ठीक है, ये हमारे एक्चुअल रेशम से भी महंगा होता है। बहुत बढ़िया, अब तो आप समझिए, अहिंसा रेशम कोई नहीं होता है, अहिंसा रेशम नहीं होता है। ठीक है, आगे की ओर चले आगे की ओर सारे बच्चे, एक बार सेशन को शेयर और लाइक करते चलो, लाइक्स की संख्या बहुत कम है, हैं पढ़ते रहते हो, लाइक वाइक करते नहीं हो। आगे आइए, निम्नलिखित में से किस जीव का रक्त सफ़ेद होता है, भैया मोबाइल पे देखते हैं, है ना, वही तो हमने सोचा, इतनी सराफत कहाँ से आ गई कोमल में, है ना कोमल, बताओ, विनोद को तो थी विनोद में सराफत, लेकिन कोमल में इतनी सराफत कहाँ से आ गई कि टीवी ना देखें, तो वो कह रहे हैं कि हम फोन देख रहे हैं। चलिए बताइए, निम्नलिखित में से किस जीव का रक्त सफ़ेद होता है, किस जीव का रक्त सफ़ेद होता है। अरे बहुत बढ़िया, सारे बच्चों ने लगा लिया, बिल्कुल आपका तिलचट्टा की जगह कॉकरोच भी दिया होता है ना, प्लस बेटा कॉकरोच, है ना, ये दोनों से क्वेश्चन पूछा जाता है, इनमें क्या होता है, इनका रक्त सफ़ेद होता है। मतलब क्या, इनमें क्या ऑक्सीजन को ले जाने के लिए हीमोग्लोबिन नहीं होता है, क्या ऑक्सीजन को ले जाने के लिए हीमोग्लोबिन नहीं होता है, ले जाने के लिए हीमोग्लोबिन होगा कि नहीं होगा, तो ऑक्सीजन को ले जाने के लिए हीमोग्लोबिन नहीं होता है, क्या, हीमोग्लोबिन नहीं होता है, है ना, इसीलिए हीमोग्लोबिन नहीं होता है, इसीलिए क्या होता है, इसीलिए इनका रक्त सफ़ेद होता है। और हम लोगों में क्या होता है, हम लोगों में आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है, इसलिए देखा जाए क्या है, रेड कलर का है। ठीक है, एक बात और है, जो इनका ले जाने का तंत्र है ना, वो भी इनमें जो ब्लड जाता है, इनका एक स्पेशल आपका रिस्पायरेटरी कैनाल पाया जाता है, या हम कह सकते हैं धमनियाँ जो होती हैं एक दूसरे से जुड़ी होती है, क्योंकि ये कैसे होते हैं, ये कुछ ऐसे ऐसे शेप के होते हैं ना, तो एक दूसरे से इनमें क्या होती है, कैनाल्स जुड़ी हुई होती हैं, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, तो कुल मिला के कोई बेल ऑर्गन, मतलब बेल डेवलप्ड ऑर्गन तो है नहीं, है ना, तो इनमें कुछ इस तरह का सिस्टम पाया जाता है, एक नली के थ्रू जाता है, इस वजह से ये क्या है, देखा जाए तो इसका ब्लड सफ़ेद होता है। ठीक है, कभी कॉकरोच भी पूछे तो ध्यान में रखिएगा, चले आगे की ओर, निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित स्तंभ है, मॉडिफाइड कॉलम है। चलिए बहुत बढ़िया, ये क्वेश्चन आप करिए, ये क्वेश्चन है आपके लेवल का, है ना एमडी, इधर ध्यान दीजिए, ब्लड वाइट होता, हाँ बिल्कुल, इनका ब्लड जो होता है ना, इनका जो ब्लड है बेटा, इनका ब्लड जो होता है ये वाइट कलर का ही होता है। रक्त कैसा होता है, रक्त इनका सफ़ेद होता है, है ना, सफ़ेद मतलब ये कह सकते हैं रंगहीन होता है ना, सफ़ेद की जगह अगर कोई वर्ड आपका रंगहीन भी आ जाए ना, तो वो भी आपका सही है। ठीक है, कैसा होता है, सफ़ेद होता है। निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित स्तंभ है, गाजर, शकरकंद, नारियल और आलू, कौन सा बेटा, तो रूपांतरित स्तंभ में नारियल कहाँ से आ जाएगा बेटा, है रूपांतरित स्तंभ में नारियल, बताएंगे,
रूपांतरित स्तंभ में नारियल, अरे नारियल का तो अच्छा खासा पेड़ होता है, इसकी तो जड़ें होती हैं, हैं बढ़िया अच्छे खासे, इसके डेवलप्ड पत्ते भी होते हैं, है ना, इसके पत्ते भी होते हैं, देखो बढ़िया, इतना बढ़िया लगा होता है, और फिर इसमें नारियल लगा होता है, फिर इसमें क्या होते हैं, बढ़िया गुच्छे में नारियल लगे होते हैं, तो ये रूपांतरित स्तंभ कैसे हो गया, रूपांतरित स्तंभ कैसे हो गया बताओ। नारियल वाले तो बिल्कुल फोड़ो एक एक नारियल अपने सर पे, है ना। नहीं भाई, ये हमारा जो रूपांतरित स्तंभ का मतलब क्या है, रूपांतरित तना, स्तंभ का मतलब क्या होता है, तना होता है मनीषा जी, है ना। तो इसका क्या होगा, अगर शकरकंद तो भैया जड़ है, गाजर जड़ है, तो तना का तो एक ही बचा, तना का बचा ही क्या, तना का एक ही बचा, ये क्या है हमारा आलू, ये हमारा क्या है आलू है, आलू हमारा क्या है रूपांतरित स्तंभ है, रूपांतरित तना है ना, तने का ही रूप है हमारा क्या आलू। देखो कितना छोटा क्वेश्चन था, सब लोग दिमाग घुमा लिए अपना, है ना। नारियल से शुरुआत हुई, नारियल से फिर शकरकंद पहुँचे, शकरकंद से गाजर पहुँचे, और गाजर से फिर आके आलू पहने। अक्सर ऐसे ही होता है, जो हमें गलत लगता है वही सही हो जाता है, कोई बात नहीं, पढ़ते रहिए, समझते रहिए चीज़ों को, अपने माइंड में एनालाइज करते रहिए, ठीक है। चलिए, पादप कली क्या है, जो हमारी पौधों की कलियां होती हैं, है ना, क्या पौधों की कलियां, है ना, क्या पौधों की कलियां भाई, पौधों की कलियां, ठीक है। चलिए थोड़ा सा और अच्छे से कली बना दें इसकी, चलो ये तो पत्तियां हो गई, अब इसकी बना दे रहे हैं हम लोग कलियां, है ना, क्या बना दे रहे हैं, छोटी सी ये कली निकलेगी, ये क्या बना रही है, ये जो हमारी कली है ये फ्लावर का निर्माण करेगी, है ना, जो ये कली है ये हमारे किसका निर्माण करेगी, फ्लावर का निर्माण करेगी, और फ्लावर का निर्माण करेगी तो ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है बताएंगे फटाफट, ये हमारा क्या है, क्या आपका आंसर आ गया, क्या आपका आंसर आया, चलिए आया तो बहुत बढ़िया। चलिए, एक भूर्णी टहनी है, या एक भूर्णी पत्ती है, या एक भूर्ण पोष है, या फिर एक बीज है, कुछ बच्चा बी दे रहा है, कुछ बच्चा सी दे रहा है, सभी बच्चे बताएंगे कि पादप कलियां क्या होती हैं, तो ये हमारी क्या होती हैं पादप कलियां। विनोद तो बहुत तेज है, विनोद का माइंड ब्लोइंग है, तो देखिए ये हमारी क्या होती हैं, ये हमारी भूर्णी पत्तियां होती हैं, ये हमारी क्या होती हैं, ये हमारी भूर्णी पत्तियां होती हैं, जिनसे क्या निकलेगा, जिन्हीं के पास से, आपने देखा है ना अक्सर छोटी छोटी पत्तियों के पास में ही क्या निकले होते हैं, ऐसे ऐसे छोटे छोटे बड्स निकल जाते हैं ना, छोटे छोटे बड्स निकल जाते हैं, ऐसे छोटे छोटे बड्स निकलते हैं, और यही बड्स बड़े होके क्या करते हैं, एक देखा जाए पूरे फल का निर्माण करते हैं, फूल का निर्माण करते हैं, फूल से फिर फल का निर्माण कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, जुगनू होता है, जुगनू होता है एक, जुगनू क्या है, एक मोलास्क है, कीट है, कृमि है, या सूत्रकृमि है। जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना एग्जाम में, ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो सही में ऐसे बच्चे परेशान होते हैं, और रोज पढ़ते हैं जुगनू, रोज पढ़ते हैं जुगनू के बारे में, लेकिन फिर भी एग्जाम में पता नहीं क्या होता है बच्चों को, कि अक्सर काम करके ही आते हैं, है ना, अक्सर काम करके ही आते हैं, तो बताइए भाई जुगनू क्या होता है, फटाफट बताएंगे, जो हमारा जुगनू है ये क्या होता है, जुगनू, जुगनू के बारे में बताएंगे, जुगनू हमारा क्या होता है। हाँ बिल्कुल, ल्यूसीफेरस के कारण इसका क्या पाया जाता है, जो ल्यूसीफेरस है, जुगनू हमारा क्या है, जुगनू में एक ल्यूसीफेरस तत्व पाया जाता है, कौन सा तत्व, ल्यूसीफेरस तत्व पाया जाता है, है ना, ये तत्व नहीं है, इसका एक हार्मोन्स है, या आप हार्मोन्स की जगह चलिए हार्मोन्स ही कह सकते हैं, हार्मोन्स है, जो क्या करता है, जो अपने ओर मादा जुगनुओं को आकर्षित करता है, मादा जुगनुओं को आकर्षित करता है, अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेल में ही है ये गुण, आकर्षित करता है, ठीक है। ध्यान में रखिएगा, जो इनमें एक चमकशील तत्व होता है, जिसके कारण जुगनू हमें रात में चमकता हुआ दिखाई देता है, ये हमारा क्या होता है, ल्यूसीफेरस तत्व होता है, और इसको रखा किसमें गया है, तो जुगनू हमारा क्या है, एक कृमि है, बच्चे क्या बता रहे हैं, बच्चे कृमि बता रहे हैं, है ना, बच्चे क्या बता रहे हैं, कृमि बता रहे हैं, तो ध्यान में रखिएगा, जुगनू हमारा किसमें रख दें हम, हैं,
जुगनू हमारा कीट में आ जाएगा कि मोलास्क में आना चाहिए, मे बी बी। हाँ तो ये हमारा क्या है, एक बी। हाँ बिल्कुल कीट में आता है। एक बार इसको थोड़ा सा हम चेक भी कर लेंगे, थोड़ा सा इसमें हमें कीट या कृमि होना चाहिए। ये वैसे कीट ही है। हाँ ठीक है ठीक है, ये हमारा क्या है, एक इंसेक्ट है। कन्फर्म ये हमारा क्या है, एक इंसेक्ट है। ठीक है चलिए आगे की ओर आइए। अच्छा दरक तना है, अदरक होगा, दरक नहीं बेटा अदरक। अदरक तना है जड़ नहीं, क्योंकि बहुत बढ़िया, ये एक और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। हम बोलते हैं क्या कह रहे हैं आकाश, ठीक है चलिए बताइए। अदरक एक क्या है, अदरक एक जड़ा जड़ है, अदरक एक तना है जड़ नहीं है, क्योंकि अदरक में क्या होता है, तो यह खाद्य सामग्री को संग्रहित करता है, या फिर इसमें नोड और इंटरनोड पाए जाते हैं, यह मिट्टी में क्षैतिज रूप से बढ़ता है, या इसमें क्लोरोफिल की कमी होती है, या फिर डी ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। बहुत बढ़िया, ये हमारा जो एक चीज हमारे तने की स्पेशलिटी को बताता है बेटा, तने के होने की 100% जानकारी देता है, वो हमारा क्या है, तने में हमारे क्या होते हैं, नोड्स और इंटर नोड्स होते हैं, है ना। तने में हमारे क्या होते हैं बेटा, नोड्स और इंटर नोड्स होते हैं। मतलब क्या होता है, तना हमारा कुछ बीच से ऐसे 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 छोटे छोटे क्या होते हैं, इसमें नोड्स और इंटर नोड्स निकले हुए होते हैं, है ना। क्या निकले हुए होते हैं, ऐसे इसमें नोड्स और इंटर नोड्स निकले हुए होते हैं। ये तने की एक स्पेशलिटी है, ठीक है, तने की क्या है, स्पेशलिटी होती है। साथ ही साथ अगर इस पे कैम्बियम दिया होता तो वो भी तने की स्पेशलिटी है, ठीक है चलिए। बाकी नहीं, बाकी कोई नहीं, तो चलिए आज के बेहतरीन क्वेश्चन हमारे यहीं पे ख़त्म होते हैं, ठीक है, और हम लोग कल नए क्वेश्चन के साथ फिर से मिलते हैं। जो भी बच्चे हमारे नए जुड़े हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करते चले, हैं ना, पुराने बच्चे तो सारे जुड़े हुए हैं। शार्प 9 बजे आपकी क्लास स्टार्ट होती है, तो सभी बच्चे हमारे 9 बजे आ जाया करें, ठीक है। क्वेश्चन किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत परेशानी समस्या हो तो आप हमें बताइएगा, PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर अपडेट करा दिया जाएगा, ठीक है। कृतिका कल का भी और आज का भी, कुछ बच्चे कह रहे थे कल का नहीं मिला है तो कल का भी करवा देंगे, ठीक है चलिए। बहुत बढ़िया, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए।